हम लोग अटके इस पॉइंट पे आके। गूगल मैप में हमने एक और नया लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए सर्च किया, क्योंकि हम हर बार करते हैं। कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड निकल पड़े हैं आज के दिन, ये जानने के लिए कि हम पहुंचे या नहीं। इसके लिए आप वीडियो देखें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। एंड हमने अभी बाइक स्कूटी यहाँ पर पार्क किया, ठीक है। एंड आगे का जो वे है वो ऐसा दिखता है। हम लोग थोड़ा सा आगे तक गए थे, बट हमने सोचा कि वहाँ पर पार्क करना इज़ नॉट सेफ, सो हम लोगों ने घर के पास से पार्क किया परमिशन लेके। एंड देखते आगे जाते कैसा है। सो आगे का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा ही है प्लेन। एंड यहाँ पर हवा बहुत ज़ोर से चल रही है और ये इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए हम जा रहे हैं बैक साइड से। आगे वो देख रहे हैं ना, वो शमशान घाट है जो कि हम लोगों ने लैंडमार्क बना लिया अपना। यहाँ पर थोड़ी बहुत फार्मिंग हो रही है जो कि भिंडी की फार्मिंग है, तुरई भी है। इंग्लिश में तुरई को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ भिंडी को। देखते हैं अभी आगे चल के। हाँ ना, वैसे ज़्यादा अच्छा है और सामने वो पहाड़ दिख रहा है वो कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक सो वही रहेगा क्योंकि वहाँ पर एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है हमको। लेट्स सी आगे जाके देखते हैं। जो रास्ता है जो वे है वो ऐसा है। ये किसकी आवाज़ है? बैक साइड देख रहे हो ये, और जो शमशान घाट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला है, बहुत बड़ा है यहाँ पर शमशान घाट, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल एरिया बैक साइड में ऐसा देख रहा अच्छा है अभी तक। एंड इसमें हम लोग गूगल मैप में डाला और हम लोग आ गए। ज़्यादा कुछ नहीं किसी के होने गया, कुछ फॉलो नहीं किया, जस्ट गूगल मैप को फॉलो किया हुआ। जो वे है वो साइड साइड से होते हुए जाएगा। यहाँ पर वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो रेत निकाल रहे हैं जो कि माउंटेन से जो पत्थर है ना उनके थ्रू बनता है। सो इसका आई थिंक ये लोग यूज़ करते होंगे इंडस्ट्री में, बिकॉज यहाँ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो ये वाला उस चीज़ का है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, हमको सिखा दिया है। को नहीं पता होता बट मुझे पता है बिकॉज मैंने देखे हैं ये सब चीज़ें। तो अभी हम आगे चलेंगे और ये इन्होंने वहाँ पर रोक रखा ताकि जो रेत है वो वहाँ पर स्टोर हो जाए, फिर उसको ये पुल आउट करके लेके आते हैं, फिर जो छानते हैं जो रेत निकल जाती है उसको बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो बनाने में। तो अभी हम चलते हैं, लेट्स सी। और ये रास्ता अप साइड, तो यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, सो जो वे हैं वो क्लीन है, दिख जाता है कि कहाँ कहाँ से जाना है। सारा वही वे उसी से जाएगा, सो हमको उधर ही जाना है। जो इस फेस ब्रिज में जब हमने पार्किंग किया वहाँ से जो गूगल मैप हमें बताया था जो डिस्टेंस है वो 2.8 किलोमीटर था, सो वी डिसाइडेड कि हम ये पैदल वॉक के थ्रू करेंगे। सो वी एक्सपेक्टिंग कि 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर लें, लेट्स सी देखते हैं। और ये हमें मिला है छुईमुई है नहीं है, पोपट हो गया, ये छुईमुई नहीं था, मुझे लगा छुईमुई। ये येलो तितलियाँ फ्लावर, जंगली फ्लावर है बट अच्छा दिख रहा है।
के कारण थोड़े थोड़े वाटरफॉल्स जो टाइप के जो दिख रहे हैं वो एक वे ये रहा कि हम वहाँ बैठे हैं। सो जस्ट चलते हैं आगे, लेट्स सी। अभी हम यहाँ से क्रॉस करते हुए जाएंगे उस साइड से आगे ऊपर। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल जो उधर से दिखा था क्रॉसिंग करते समय, तो अभी हम उसी को देखने जा रहे हैं। एंड सिंपल है इधर, सिंपल है इधर भाई, देख रहा है उसको सही ज्यादा। ये एक सीक्रेट कुंड टाइप का लग रहा है, ठीक है, जो कि मस्त दिख रहा है यहाँ से। बट हमारा ताहुली जो वाटरफॉल है वो ऊपर है, अभी और जाना है। ये बीच में एक मिला था और एकदम गुफा जैसा है, गोल है आस पास, बट बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा ज़्यादा गहरा है, तो अभी हम लोग इतना क्या नहीं देखते, लेट्स सी क्या होता है। तो बीच में अभी बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तो ये स्पेशल। एंड अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे वाटरफॉल की तलाश में। ये छोटा सा था बिकॉज ऑफ वाटर, यहाँ से जाना ये भी नीचे जाता है और एक वाटरफॉल का शेप लेता है, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्यों पानी गिर रहा है। ओके भाई, अभी हम ये क्रॉस करने की सोच रहे हैं ऊपर जाके, लेकिन ये तो बिल्डिंग बिल्डिंग होते हैं, नहीं तो वो वाला रास्ता होगा। अभी हमको रास्ता भी नहीं पता चल रहा है तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। सो हमने थोड़ा सा फोटो सेशन किया था, अभी रास्ते से जा रहे हैं और साइड में अच्छा ये साइड में ऊपर से माउंटेन के पानी, वाटरफॉल का पानी है जो कि साइड साइड से आ रहा है, क्योंकि नीचे जाता है। हम लोग इसी साइड साइड से उतर जा रहे हैं, जो कि वे है ये वाला, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, देखते पहुँचते या नहीं पहुँचते। एंड वी होप सो पहुँच जाए, बाकी लोकेशन टू गुड, एकदम मज़ा आ रहा है। इधर ऐसा लग रहा है सांप जैसा, नहीं तब वैली जैसा, ऐसे ऐसे राउंडेड करके जा रहा है पानी का फ्लो। ऑल गुड, सो हम अभी वे से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारी गाय दिख रही है, बहुत भैंस है। वाह तो अभी हम लोग यहीं से वे को आगे पकड़ते हुए आगे जाएंगे, लेट्स सी देखते कहाँ पहुँचते हैं। सो जो हमने पहला रूट जो पकड़ा था वो ख़त्म हो गया आगे, तो मींस कि वो कंप्लीट रूट नहीं था। तो अभी हम लोग डिसाइड करके वापस बैक जाए, जो वाटरफॉल था ना छोटा सा, हम उसे से राइट टर्न लेने वाले, तो उसको हम फॉलो करेंगे बीच के आगे। चलो मिलते देखते हैं। जो वाटरफॉल था जो नीचे मिला था हमें, उसके राइट हैंड साइड से ही हमको आना है, तो आप मिल जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से गए थे तो हम लोग उस पहाड़ पर पहुँच गए थे, तो ये वाला पहाड़ है और सामने जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है। सामने का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, है ना, ऐसा कुछ है। और ये ग्रीन फील्ड, सो इधर तो बहुत चल रही है यहाँ पे, माइक तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। चलो अब आगे चलते हैं हम उस माउंटेन की तरफ, देखते हैं क्या है। रास्ते को चलते चलते हमें एक और पाथ मिला है जो कि इधर से जा रहा है। आई डोंट नो हमें कितने वाटर क्रॉसिंग करने पड़ेंगे। अभी तक तो ओके है, बट समझ में नहीं आ रहा कि हम सही वे में जा रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी मंजिल दूर है तो पता नहीं, देखते हैं कैसे करना है। इतनी मेहनत करके ना हम लोगों ने बहुत ट्राई किया वाटरफॉल सर्च करने का, ताहुली जो कि मैप में दिखा था,
हमको नहीं मिला और हम लोग अटके इस पॉइंट पे आके। इसके आगे जो वे है वो ऐसा दिख रहा है, सामने वो पहाड़ दिख रहा है वो ख़त्म होगा, उसके बाद वो सामने वाला पहाड़ है उसका ख़त्म होगा, उसके बाद थर्ड पहाड़ है और वो जो हम लोग अभी हम लोग ने ट्राई किया था सर्च करने का प्रॉपरली, सो वे इतना दिखाई नहीं दे रहा, कोई लैंडमार्क नहीं है। सो अभी हमने डिसाइड किया कि हम इसको यहीं पर कैंसिल करते हैं, भटकने से अच्छा है। सो अभी हम नीचे जाएंगे वहाँ पर जाके देखते हैं, ये वाला प्लान कैंसिल हो गया। Few moments later. और ये है एक और हिडन वाटरफॉल, वो भी अंबरनाथ साइड पे, साहुली के साइड जब जाएंगे तब रहेगा।